वेरी गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल। और अभी आप सभी के लिए अपडेट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के एग्ज़ाम्स की बात हम करेंगे। एग्ज़ाम्स की बात में डे शीट्स की बात करेंगे, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की डे शीट की आज बात करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं नए डे शीट्स ऐड हो चुकी है, बीएससी एग्रीकल्चर फोर ईयर कोर्स सेकेंड फोर्थ सिक्स एंड एट सेमेस्टर रेगुलर ई अपीयर के एग्ज़ामिनेशन की डे शीट आ चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए नई अपडेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेयर चैनल, और मैं आपके साथ सारी वीडियोस में शेयर करता हूं। और आप चैनल पे अगर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। बीएससी होम साइंस करने वाले बच्चों के लिए भी डे शीट आ चुकी है सिक्स सेमेस्टर की, और इसी तरीके से बीएससी होम साइंस सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की भी डे शीट आ गई है रेगुलर ई अपीयर की। और ये डे शीट तो आपने देखा कि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी कल आई थी, तो आज हमारे पास तीन डे शीट्स आई हैं, होम साइंस और एग्रीकल्चर की डेट शीट आई है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डे शीट आ गई है क्या? नहीं, तो अभी पीजी की डे शीट्स नहीं आई हैं प्यारे बच्चों। ये हमारी क्लैश एग्ज़ाम्स की जो एग्ज़ाम चल रहे थे उनकी डे शीट्स हैं प्यारे बच्चों, अभी आपके पास नई डे शीट नहीं आई है। तो जैसे ही आपके पास डे शीट्स आएंगी तो अब तक सूचना पहुंचा दी जाएगी। प्रैक्टिकल्स की भी हालचाल हम देख लेते हैं, प्रैक्टिकल्स की भी क्या है। हमारे पास प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की डे शीट कल आ गई थी, प्रैक्टिकल डे शीट फॉर एमए म्यूज़िक सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर की आ गई थी। और जैसे ही हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि प्रैक्टिकल की डेट शीट हम देखने जा रहे थे, तो प्रैक्टिकल की डेट शीट देखिए आप के सामने है। और ये प्रैक्टिकल्स की जो एमए म्यूज़िक की सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की डेट शीट कल आई थी, तो ये आप देख पा रहे हैं इसमें जो एग्ज़ाम्स हैं वो अलग अलग कॉलेजेस में उनकी डेट शीट आ गई है। और 28/4 को है, उसके बाद 26/4 को है, ये डेट शीट्स हैं हमारी। और जो लास्ट हमारा एग्ज़ाम हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 28 तारीख को है। इसका मतलब 10 दिन के बाद ही आपके एग्ज़ाम्स हो पाएंगे। तो इसका मतलब जो डे शीट्स हैं अभी अगले हफ्ते आपकी एमए की जो डे शीट्स हैं वो आनी शुरू होगी। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, जैसे कि आपके सामने हैं, ये मैंने आपको इसलिए नोटिस दिखाया। और एग्ज़ामिनेशन पर फिर से चलते हैं, एग्ज़ामिनेशन में आपने प्रैक्टिकल की नोटिस देखी, अभी हम डिप्लोमा की भी बात कर लेते हैं। तो डिप्लोमा का भी अभी देखें कि कोई डे शीट तो नहीं आ गई है, तो अभी डिप्लोमास की भी कोई डे शीट नहीं आई है। तो क्लैश एग्ज़ाम्स की कोई डे शीट नहीं है, सिर्फ अगर डे शीट आई है तो सिर्फ यूजी की डे शीट्स आई हैं। तो आज नोटिस बोर्ड भी चेक कर लेते हैं, तो नोटिस बोर्ड पर हमारे पास जो आज हमारी 18 तारीख है, प्रेस रिलीज़ रीशेड्यूलिंग ऑफ लॉ की आई, तो इसकी तो मैं आपको सेपरेट और एडमिशन की वीडियोस के साथ बता दूंगा। तो यहाँ से आपने डे शीट्स यहाँ चेक करनी है। और इसी तरीके से आगे, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको अगर पुराने पेपर्स डाउनलोड करने हैं तो आप यहीं से क्वेश्चन पेपर्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो ये आपने देखा कौन सा, यहाँ से जब मैंने नोटिसेस खोले तो यहीं से आपको पुराने ईयर्स के जितने भी एग्ज़ामिनेशंस हैं उनकी जो पेपर्स हैं वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर ओवर है, तो पुराने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसी तरीके से जो एग्ज़ामिनेशंस होती हैं, एग्ज़ामिनेशन के जो पेपर्स हैं वो यहाँ पर स्टोर कर दिए जाते हैं, जिससे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आप देख सकें और अपनी जो तैयारी है उसको सुचारू रूप से कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपकी इस वीडियो को यहीं पर ही क्लोज़ करते हैं, और अगली वीडियोस के अंदर हम अपनी लॉ की जो एंट्रेंस की रीशेड्यूलिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और आगे आगे जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।